कविता के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला बेसन का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच सूजी, 1/2 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम। इसे हमने थोड़ी देर के लिए घी में फ्राई कर लिया है। 4 से 5 इलायची के दाने जिसे हमने कूच लिया है और थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अब हम गैस पर एक बर्तन चढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। जितना हम बेसन लेंगे उसका 2 गुना हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, इसे मिला देंगे और चीनी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। तो अब चीनी पिघल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची और फूड कलर, इसे मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें घी डाल देंगे, पूरा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी बचा लेंगे। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब घी थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन और सूजी। गैस यहाँ पर हम धीमी रखेंगे। अब इसे हम 12 से 13 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। सूजी और आटे का हलवा आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से आप बेसन का हलवा बनाकर जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम चाशनी डाल देंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे, इसे हम मिला देंगे और इसे थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। देखिए ये कितना दानेदार लग रहा है। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और फिर से इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक इसे हम पकाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से गाढ़ा होने देंगे। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमने जो घी बचाया था वो इसमें डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इस हलवे को आप जितनी भी देर रखें ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो अब बेसन का हलवा बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से बेसन का हलवा बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डालकर इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो अब बेसन का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।